बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबको पहले तो सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मेरे लिए भी दुआएं करें। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद का कबूतर चौक देखने के लिए, तो वहाँ पर चलते हैं। मुझे भी किसी ने बताया है कि हैदराबाद में कबूतर चौक है, तो चलते हैं विज़िट करते हैं। ये सीजनेबल ये पौधे हैं जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये अपना मार्च तक आपके चल जाएंगे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। सीज़न इसका वो 6 महीने तक को होता है, 5 महीने तक को। अभी मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के जैसे निकला तो मैंने सोचा कि चलो कोई निकलिया काम करते हैं, तो आप भी मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। अगर आप भी हैदराबाद में रहते हैं तो आप भी यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर जो आपसे हो पाए मतलब जितना भी अनाज आप वो लेके इनको खिला सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर सेटअप है, एक बंदा बैठा हुआ होता है, उसके पास अनाज वगैरह होता है, तो आप उसी से ख़रीद कर आप वहाँ पर कबूतरों को खिला सकते हैं। तो वहाँ पर चल के विज़िट करते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। आज के बाद हम ये नियत करते हैं कि हर जुमे के दिन एक नेकी का काम हम ज़रूर करेंगे। वो कौन सा होगा वो उस दिन पता चलेगा। ये देखिए एक बंदा यहाँ पर रुका है, वो भी इसको अनाज खिला रहा है, वो भी अनाज उन्होंने भी रखा है यहाँ पर, अभी वो जा रहा है। और ये भाई यहाँ पर बैठे हुए अनाज सेल करेंगे। ये देखिए ये एक बंदा आया है अभी अनाज लेके, देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये है कबूतर चौक, पूरा सीन आपने देखा होगा। ये है कबूतर चौक हैदराबाद में, हैदराबाद के रोड पर है ये, तो आप भी यहाँ पर आए विज़िट करें, अपने हिस्से का दाना आप यहाँ पर दे सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, बहुत दिल को सुकून मिला, और अगर आपको भी यही सुकून चाहिए तो आप भी यहाँ पर आए। A few moments later. मज़ेदार। वापस हम आ चुके हैं घर, लेकिन जैसे मैं छोड़ के गया था वैसे ही है मेरा बेड। अभी इसको पहले सही करते हैं। ओके हो गया ये सब, बेड हमारा ओके हो चुका है। हमारा पार्सल आया है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। TCS से आया है ये, देखें भाई हमारा लेटर आ चुका है। अभी आप ये वायर देखें, ये इस फैन की है। पीछे देखो, पीछे देखें ना, अभी ये इधर लगी है। अभी इसको हम ये निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत गंदी लग रही है। अभी हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। ये देखिए अभी ये साफ़ हो गया, वायर पूरी निकल चुकी है यहाँ से। ओके टेक हो गया ये। उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक, क्योंकि आधा व्लॉग तो आपने मेरा देख लिया है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हो गया सब्सक्राइब? नहीं हुआ अभी तक? चले चले कर ले, मैं बैठा हुआ हूँ। 5 4 3 2 1
0 Go. सब्सक्राइब करने में बैठा हुआ हूँ, आगे बात अभी सुना नहीं बढ़ेगी जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। करें करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो। हो गया? नहीं, हो गया। Done. 75 years later. आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि सिद्ध फूड कॉर्नर ओपन होने वाला है, उस पे आएंगे। वो ओपन हो चुका है, ओपनिंग उसकी हो चुकी है। देख कर अभी यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि यहाँ पर इनका सेटअप ओपन हो चुका था, लेकिन फिर कभी आएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे। फिलहाल तो भूख वगैरह नहीं है। अभी टाइम भी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो मैं तो ऐसे यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देख लिया कि ओपन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं। फ्रूट वठू ना यार, थोड़ा ही घने पलाई थी ना, वो ही चाचना ने ये पाना रेतू ने 150 रुपए किलो तो बोला महंगाई थी है। घणेई हाणे मिक्स में ठाहे रहे, वरी सौ खन बेमू वणीसि, 50 खन धीउ आणीसि, वरी 50 खन धीउ, 2-3 सौ ठाहे रहे समर। हा, ज़बरदस्त थी वियो। वाह, वॾो रौनक लॻी पिया। तव्हां निकिरो ॿाहिरि, तव्हांखे सभु कुझु मिलंदो। मेरे खां ॿाहिरि रौनक लॻी पई आहे, जो बि आपको यहाँ पे चाहिए आपको मिल जाएगा। गजर बि ठहे पई आहे यार, गरम गरम गजर बन रही है। उस्ताद, उस्ताद 100 खन जी ॾिजां गजर यार। वी आई पी जो लूण वूण हणी करे एॾा लीमो वीमो लगाए दे, मसालो वसालो लगाए करे वी आई पी ठाहे ॾे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये चांहि के साथ दो बिस्किट खाना ज़रूरी है। अच्छा, इसको प्रमोट नहीं करते, ये ठीक है, गुजारा है ये भी, ठीक है ना। ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई अच्छे बिस्किट नहीं है, गुजारा है, ठीक है ना। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।